नेपाल हादसे से जुड़ी तस्वीरें आ गई हैं। भारतीय यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। बड़ा हादसा हुआ है, बस नदी में गिर गई। भारतीय यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी है और इसकी तस्वीरें आ गई हैं। इस पूरे मामले पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए आगे बढ़ रही है टीम। जैसा कि हमारी जो सहयोगी जुड़ रही थी नेपाल से, उन्होंने जानकारी दी। लेकिन ये देखिए तस्वीरें बस की, ये इतनी बड़ी खाई रही और उसके बाद नदी में गिर गई है। जो किनारा है नदी का, वहाँ जाकर बस इस तरह से अटकी हुई है। ये पूरी पलट चुकी है बस। ये हादसा बहुत विभत्स है, भयानक हादसा हुआ है, सड़क हादसा हुआ है। और ये यात्री बस रही, 40 यात्री इसमें सवार थे। यूपी नंबर की ये बस भी बताई जा रही है और पोखरा से काठमांडू जा रही थी ये बस। ये तस्वीरें आ गई हैं। तो देखिए, नेपाल में भारतीय यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तस्वीरें, इस दुर्घटना की पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के पास आ चुकी हैं। इंजना कार्की हमारी संवाददाता थोड़ी देर पहले इस दुर्घटना के बारे में जानकारी दे रही थी कि किस तरह से ये पहाड़ी इलाका है, दुर्गम रास्ता है, बारिश हो रही थी और ये बस जो है ये नदी में जा गिरी है। ये तस्वीरें आप देखिए, जूम जब कैमरा होता है तो ये बस यहाँ पर नजर आती है। जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि ये बस जो है इसका नंबर यूपी का है, यानी ये बस भारत की हो सकती है, यूपी की हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक कन्फर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन 40 यात्री इस बस में सवार थे निधि, उनकी जान पर बड़ी मुसीबत। और अगर समीर आप गौर से देखेंगे तस्वीरों को तो ये बस पूरी पलट चुकी है। नदी का ये किनारा है जहां पर बस पलट चुकी है और नदी का उफान भी देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ी चुनौती होगी रेस्क्यू ऑपरेशन की, क्योंकि दुर्गम रास्ता है, विषम इलाका है, तो ऐसे में यहां पर बस गिरी है। रेस्क्यू टीम पहुंच रही है, जैसे कि इंजना कुछ देर पहले हमारी सहयोगी नेपाल से बता रही थी और बता रही थी कि नेपाल प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले की जानकारी मिल गई है और अब वो रेस्क्यू टीम को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब चुनौती ये होगी कि इसे रेस्क्यू जब किया जाएगा तो ये रेस्क्यू से जुड़ी हुई तस्वीरें भी सामने आएंगी। लेकिन लोग भी, स्थानीय लोग भी जमा हो गए जब ये बस हादसे का शिकार हुई और नदी किनारे इस तरह पलटी हुई दिखाई दे रही है बस। बिल्कुल, और इस हादसे से जुड़ी अपडेट आगे भी हम आपको देंगे। फिलहाल इंजना हमारे साथ एक बार फिर कनेक्ट हो चुकी हैं। इंजना, कुछ पता चल पाया है बस एग्जैक्टली कहां की थी? बस का नंबर यूपी का बताया जा रहा था। अभी उन लोगों की हालत कैसी है, उन यात्रियों की हालत कैसी है जो इस बस में सवार थे? वो नंबर अभी पता चला, वो नंबर है वो यूपी का नंबर 53ST7623 नंबर का बस है। तनाऊ के एनपहरा और इस वो जिले है, उसमें मस्तैंग नदी में गिर गया है। नदी के किनारे में थोड़ा वो वाला रास्ता थोड़ा परेशान था जाने के लिए, इसके लिए वो घटना हुआ चुका। वो नेपाल प्रहरी घटना स्थल में अभी तक पहुंच चुका है और नेपाल के विपद व्यवस्थापन का आदमी भी पहुंच चुका है और एसएसपी माधव पौड़ेल के कमांड में 10 लोग अभी तक वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, कुछ लोगों को बचाया गया है? अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, अभी तक कोई आदमी बच नहीं पाया क्योंकि बस का हालत का नंबर भी इतना खराब है कि पहचान के लिए और पहचान न के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, अभी तक वो आदमी जो आदमी है, जो फिसर आदमी है, वो भी कंफर्म नहीं है ना, वो आदमी भी इतना आसान से नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ 12-15 लोग का वो मौत का आदमी का वो लाश मिल रहे हैं। नहीं, आप इंजना, इस हादसे को लेकर क्या कुछ ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आई है? क्या इस हादसे में कुछ लोगों की जान भी गई है, आप ये कह रही हैं? और ये इंफॉर्मेशन क्या आ रहा है कि 12-15 लोग का अभी मौत हो चुका है और बाकी का तो कंफर्म नहीं है। बाकी कितना लोग वो हुआ, वो नदी के किनारे में गिर गए, उसके लिए निकालने के लिए भी बहुत परेशान हो रहे हैं। वो इतना नदी इतना गहरा था, इसके लिए निकालने के लिए भी बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन 10 नेपाल प्रहरी का 10 आदमी वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, कमान के लिए वो वहाँ पर पहुँच गया है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं इंजना। इंजना, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार फिर से अपडेट लूंगी, लेकिन तस्वीरें लगातार आ रही हैं हमारे सामने। ये देखिए, अब ये जहाँ बस गिरी है, पलट कर गिरी है, इस खाई से गिर गई बस और उसके बाद जब नदी किनारे रेस्क्यू शुरू हुआ, ये रेस्क्यू की तस्वीरें आनी शुरू हो रही हैं। अब लोगों को निकालने की कवायद है, लोगों को देखिए बस के अंदर से निकाला जा रहा है। जो लोग चोटिल हुए हैं उन्हें निकाला जा रहा है और ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। अस्पताल पहुंचाने की अब कवायद होगी, लेकिन बड़ा हादसा हुआ है और जो रेस्क्यू टीम है वो भी, इंजना बता रही थी, पहुंच चुकी है। तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं
और आशंका है कुछ लोगों की जान गई है इस बस हादसे में। इंजना, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था तो यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन वहाँ पे जितने भी जवान हैं, जो वहाँ की सेना है नेपाल की, वो पहुँची है रेस्क्यू करने के लिए और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। क्या अपडेट मिल रहा है इस हादसे से जुड़ा हुआ? जी, अभी वहाँ नेपाल आर्मी और नेपाल पुलिस के आदमी और जो नेपाल व्यवस्थापी पर वो अभी नेपाल का समिति है, वो ये टीम रेस्क्यू के लिए वहाँ वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अभी निकालने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जो आदमी का डेड बॉडी भी निकालने के लिए मुश्किल हो रहा है। थोड़ी देर में आएगा कि कितना लोग का डेड बॉडी हो चुका है, ये थोड़ी देर में ये खबर मिलेगा। इंजना, लेकिन इस वक्त घटनास्थल से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो अपने आप में भयावह हैं और जो घायल हैं वो बहुत बुरी तरह से घायल हैं। इस वक्त बड़ा ज़रूरी है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लगे हुए लोग हैं वो घायलों को बचाएं और अस्पताल पहुंचाएं। अस्पताल यहाँ से कितनी दूर है, घटनास्थल से कितनी दूर है, कुछ जानकारी दे सकती हैं क्या? मुश्किल यही है कि यहाँ के जो बस गिर गया है वहाँ के स्थान से अस्पताल पहुँचने के लिए मिनिमम वो हेयर स्टेशन भी है, मिनिमम लगेगा एक घंटा। इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। एम्बुलेंस आ रहा है, वो रास्ते में है, वो जल्द से जल्द वो वहाँ के आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए नेपाल प्रहरी भी वहाँ है और मौजूद है और बाकी और सारे आदमी भी मौजूद है। लेकिन जो मुश्किल है, रास्ता मुश्किल है, अभी भी बारिश हो रहा है, बहुत बारिश हो रहा है, कड़ा बारिश हो रहा है, इसके लिए वो निकालने के लिए परेशान हो रहा है। मेरे ख्याल में सारे लोग का इतना वो तो नहीं है, वो जो आदमी घायल है वो अस्पताल पहुंचने के लिए थोड़ा। इंजना, ये बताइए, ये इलाका भारतीय ये इलाका बॉर्डर से कितना दूर है, भारत के बॉर्डर से कितना दूर है? ये दूर है, ये दूर है क्योंकि नेपाल काठमांडू से 200 किलोमीटर है, सिर्फ 225 किलोमीटर है और भारत के बॉर्डर से बहुत दूर है। तो इंजना बता रही हैं, एक एक डिटेल बता रही हैं और ये तस्वीरें भी आ रही हैं सामने। तस्वीरें ज़रूर विचलित कर सकती हैं क्योंकि इस हादसे में चोटिल ज़्यादा हुए हैं लोग और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है इस बस हादसे से जुड़ी हुई। बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें भी हो रही है, जैसे कि इंजना बता रही थी, बारिश यहाँ पर तेज़ हो रही है और नेपाल के तनाहुन इलाके में ये हादसा हुआ है जो कि भारतीय सीमा से, भारतीय बॉर्डर से दूर है ये इलाका। इंजना, अभी इस वक्त प्रशासनिक तौर पर क्या औपचारिक डिटेल्स मिल पाई हैं, क्या बताया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? अभी यहाँ भी वो छलफल चल रहा है, यहाँ भी कितना लोग वो है कंफर्म तो नहीं है, लेकिन वो जो बोल रहा है, जो ऑफिशियली वो पुलिस ने दिया और विपद व्यवस्थापन समिति के जो आदमी ने दिया इंफॉर्मेशन की 12-13 लोग का मौत हो चुका है, वो निकालने के लिए नहीं पाया, वो डेड बॉडी निकालने के लिए भी मुश्किल है। जो बाकी घायल है वो अस्पताल पहुँचने में भी मुश्किल है क्योंकि एम्बुलेंस अभी रास्ते में, कड़ा बारिश होने के कारण वो जो इलाके में जो एक्सीडेंट इलाके में पहुँचने के लिए वो एम्बुलेंस को भी कठिन हो रहा है। इंजना, आप नज़र बनाए रखिएगा और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। फिलहाल बड़ी चुनौती नज़र आ रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन को सही से अंजाम देने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रह रहकर बारिश भी हो रही है। इस इलाके में थोड़ा दुर्गम पहाड़ी इलाका है और अस्पताल यहां से तकरीबन एक घंटे की दूरी पर है, एम्बुलेंस अभी तक पहुँची नहीं है, घायलों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और कुछ यात्रियों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। नेपाल का ये तनाहुन इलाका है जहां पर ये बस जिसमें भारतीय यात्री सवार थे वो हादसे का शिकार हो गई है, एक नदी में जा गिरी है और तस्वीरें घटनास्थल से जो सामने आ रही हैं वो भयावह हैं।